Pronunciation now. Rules. First, d by dx of constant. D by dx of constant is always zero. Example, d by dx of number, let us say 6, is zero. Please remember, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज जीरो. कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कौन सा भी नंबर ले, कोई भी कॉन्स्टेंट ले ले, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है. ये फर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला रूल्स, जो भी बोल, रूल्स बोल, फॉर्मूला बोल, जो भी बोल. सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स. ओके, साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स. हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, मैं क्लियरली कमेंट कर रहा हूं, मुझे प्रूफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला चाहिए जो मेरे को फिजिक्स में काम आएगा. सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आया, मेरे को क्या करना, मैथ्स वाले का हेडेक है, मैथ्स वाला देखेगा, मेरे को सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है. नेक्स्ट, d by dx of minus cos x, sorry, not minus, just cos x. Cos x will give me minus sin x. I repeat, sin का differentiation cos है, cos का differentiation minus sin है. Next, fourth one, most important one and highest used. Most important and highest used is this. सबसे ज्यादा यही करने वाला हूं. d by dx of x raise to n, nx raise to n minus 1, nx raise to n minus 1. Okay, example. इसका तो क्या example देने की जरूरत नहीं है, sin का cos का sin है, ठीक है? इसका example देते हैं, example. Okay, example क्या है? Example है x raise to 3 का differentiation. Okay, so therefore x raise to 3 का differentiation. So d by dx of x raise to 3. ओके, फॉर्मूला क्या है? जो भी पावर है, पावर को पढ़ा, थ्री इधर है, पावर को पढ़ाया, थ्री पावर पड़ गया, पढ़ा हुआ पावर एक कम कर, मेक द पावर फॉल, वंस द पावर फॉल्स रिड्यूस द पावर बाय वन, रिड्यूस द पावर बाय वन. पावर घिराया, अब पावर एक कम कर, थ्री माइनस वन, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम हाईएस्ट जो फिजिक्स में करेंगे हमारे को वो यही फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन. सिंपल है, बहुत सिंपल है, पावर को घिरा और घिराया हुआ पावर कम कर, घिराया हुआ पावर एक कम कर. एग्जांपल एक और लेते हैं, एक्स रेस टू फाइव. एक्स रेस टू फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स रेस टू फाइव का? यस, पावर को घिरा फिर कम कर, करेक्ट बोला, पावर को घिरा के फिर एक कम कर, करेक्ट, पावर को घिरा, फाइव पावर है, फाइव पावर घिरा और पावर को कम कर, बस हो गया. और दो तीन इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ई रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल. ई रेस टू एक्स के ऊपर भी मैं अलग से क्लास लूंगा, सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए. d by dx of e raise to x, बच्चा e raise to x को e raise to x ही लिखते हैं. ओके, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा ही है, e raise to x का डिफरेंशिएशन e raise to x है. सर, e raise to x क्या है? एक्सपोनेंशियल raise to x. सर, एक्सपोनेंशियल raise to x मतलब क्या? हम ये सब बाद में देखेंगे, बट देखेंगे. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, d by dx of log x, logarithm, जैसे मैंने बोला था. ओके, मैंने तुझे बोला था करके, हो सके तो लॉग बुक लेके आ, हम एक्सपेक्ट करते तेरे से लॉग बुक. ओके, अब ये लॉग एक्स क्या होता है, कैसे होता है, मैं तुम्हें ना बेसिक लेवल की बात करूंगा. अभी की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक चलेगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा. बार बार फिजिक्स में ही आने वाला है, बार बार फिजिक्स में रिपीट होगा लॉग एक्स, ये तो नहीं आएगा ई रेस टू एक्स.
लॉगिंग्स बहुत बढ़ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा लाइट डालूंगा, नेक्स्ट डिस्कशन इसी के ऊपर लेता हूं, 5 मिनट्स इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट बेसिक चीज को हम समझेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, फिलहाल के लिए याद रख, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। अब अभी थोड़ा सा डिस्कशन 5 मिनट्स का लॉग के ऊपर करते हैं, ठीक है। एक अलग से क्लास देंगे सिर्फ लॉग के ऊपर, हम कम से कम एक दिन डालना पड़ेगा लॉग डिस्कस करते करते। ओके, लॉग बुक भी चाहिए उसके लिए, बिन लॉग बुक भी होता है, बट लॉग बुक रहा तो बेटर रहता है। ओके, तो फील अच्छी आती है। ओके, अभी के लिए क्या याद रख, दैट इज वाई यू नो फिजिक्स, वॉट मेक्स फिजिक्स टफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज वॉट मेक्स फिजिक्स टफ। कि इतनी सारी चीजें आती है, वेक्टर आया, लॉग आया, इंटीग्रेशन आया, डिफरेंशिएशन आया, डिटरमिनेंट्स आया, कितना आया फिजिक्स में। अब तक चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ फिजिक्स का और मैथ से डिस्कस हो रहा है ना। इसीलिए फिजिक्स एक टफ जाता है, क्योंकि उसका जो मिश्रण है, मिलन है मैथ्स के साथ, वो अलग लेवल का है। ओके, सो लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1/x। इधर और कोई बेसिक फॉर्मूला मुझे लगता है बोलना चाहिए, नहीं है। मैं इतने में खुश हूं, मुझे इतना आया तो मैं खुश हूं। क्या इधर तक तुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे जब जब लगेगा मैं तब तब बोलूंगा। ओके, आगे जब जब लगेगा तब तब मैं बोलूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझा मैं क्या बोला? अब हम थोड़ा सा लॉग के ऊपर डिस्कस करते, एक 10 मिनट और 5 मिनट एग्जैक्टली लॉग की कितनी भाषाएं होती है, लॉग क्या क्या होता है, उतना डिस्कस करेंगे। बाकी सारा हेडेक मैथ्स वाला पालेगा, बाकी हेडेक मैं नहीं पालूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा लॉग के ऊपर झगड़ा करते हैं, लेट अस डिस्कस समथिंग मोर इन डिटेल विथ रिस्पेक्ट टू लॉग नाउ। ओके, ये 6 रूल्स मेरे को याद करना डिफरेंशिएशन के, थोड़ा सा नया लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, जब 2-3 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेगा, जब इंटीग्रेशन आएगा और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मिलन करूंगा, आहा सर क्या क्या फिजिक्स है, क्या मैथ्स है। टाइम, पेशेंस इज द की, स्लोली एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। ओके, चलो अब हम देखेंगे लॉग एक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन। ओके, लॉग है लॉगरिथम, लॉगरिथम एक दुनिया है मैथ्स की, जिससे कैलकुलेशंस को हम इजी कर सकते हैं। आई रिपीट, लॉग एक दुनिया है जिससे हम चीजों को इजी कर सकते हैं। क्यों, कौन सी चीजों को सर? सर हम कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं, लॉग वो दुनिया है। लॉग के पास 2 चीजें होती है, और लॉग थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, पहली बार कर रहा है इसीलिए ऐसा फीलिंग आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे टाइम के साथ हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। फिलहाल के लिए उतना ही मैथ्स जितना फिजिक्स के लिए चाहिए, पूरा डिटेल में मैथ्स अभी के लिए नहीं, ठीक है। तो हम, मैं सिर्फ बोल रहा हूं log x, ये भी log x है, बट यहाँ पे log x टू द बेस 10 है, यहाँ पे log x टू द बेस e है, यही तो फर्क है। ओके, थोड़ा सा अजीब मैं मानता हूं, तुझे क्या चल रहा है ये सब, ऐसा फीलिंग आएगा, टाइम देना पड़ता है, जैसे जैसे चीजें आगे जाती है सब समझ में आता है, रियल मीनिंग भी समझ में आएगा। ओके, मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला था, I am repeating, I said that log is a world of mathematics to make calculation easy. I'll give you feel. थोड़ा तो feel आज दे के ही मैं छोड़ क्लास खत्म करूंगा, feel के बिना खत्म नहीं करूंगा, तुझे मन में अच्छा लगे, हाँ हाँ सर थोड़ा तो कुछ feel आया, ठीक है। log x to the base 10, ओके, log x to the base 10 है, एक log x to the base e होता है, base e base 10 मतलब तूने किया रहेगा बचपन में बाइनरी सिस्टम, ऑक्टेव सिस्टम किया था बचपन, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, है ना, सारे किए थे ना तुमने, बेस अलग अलग बेस लेके किए थे, बस हमारा ये भी वही है, हमारा ये भी वही है, एग्जैक्टली हमारा ये भी वही है। ओके, लॉग एक्स टू द बेस 10, ये डेसिमल जो भी है, डेसिमल जो भी बोलूं मुझे तो याद भी नहीं है। लॉग एक्स टू द बेस ई, ई क्या है सर? बच्चा ई क्या है? ई यानी एक्सपोनेंशियल, ई यानी एक्सपोनेंशियल। अगर सिर्फ ई लिखना है या स्टार मार्क करना, कोई कंफ्यूजन मत रखना,
एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1 इज 2.71, ये बाहर कर लेना, 2.718 एक्यूरेटली बता रहा हूं। ओके, ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। ये एक और दुनिया ऑफ मैथमेटिक्स है सर। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कि 10 रेस टू 1 10 होता है ना, समझा? जैसे कि 10 रेस टू 1 10 होता है, ई रेस टू 1 2.718 होता है। ये एक और दुनिया है मैथ्स का। ओके, क्लियर है? क्लियर है? मैं क्या ई रेस टू 1 क्लियर है? ई रेस टू 1 का वैल्यू क्या? 2.718। हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तो बोल। ओके ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। हमारा जो लॉग बुक है वो इसमें है। लॉग बुक कौन से भाषा में डिजाइंड है? हमारा जो लॉग बुक है वो इस भाषा में डिजाइंड है, लॉग बुक बेस पेन में है। याद रख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो लॉग बुक है वो कौन से सिस्टम पे बनाया गया है? हमारा जो मार्केट में 20 रुपए में लॉग बुक मिलेगा, जो हम कंपल्सरी एग्जाम में लेके जाके सॉल्व करेंगे अगर सम आया तो, उसके ऊपर वो है बेस पेन के ऊपर डिजाइन। हमारा लॉग बुक इसके ऊपर डिजाइन नहीं है, हमारा लॉग बुक इसके ऊपर डिजाइन है। इधर तक क्लियर है बच्चा? हमारा लॉग बुक बेस टेन पर डिजाइन है, हमारा लॉग बुक बेस ई पे डिजाइन नहीं है। ओके, बट सर तेरे मन में एक डाउट आएगा। वो डाउट क्या आएगा? वो डाउट ये आएगा करके, सर अगर क्वेश्चन इसमें है बट लॉग बुक यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। आई रिपीट, अगर मान ले मैं बोलूंगा फाइंड लॉग ऑफ 300 टू द बेस ई, तो लॉग बुक यूज करेगा? नहीं यूज कर सकता, रॉन्ग देगा। क्यों? अरे बाबा, लॉग 300 टू द बेस ई है, हमारा लॉग बुक लॉग 300 टू द बेस 10 है। अब क्या करने का? कन्वर्ट करने का, इस भाषा से इस भाषा में कन्वर्ट करने का। क्या कन्वर्ट करना आता है? 100% आता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। क्या इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में प्रॉब्लम्स है? 100% है। क्या ये थ्योरी में भी है? 100% ये थ्योरी में भी है। ओके, ये सारी चीजें आने वाली है, ये सारी चीजें मैं जब समय आएगा तब तब डिस्कस करूंगा। अभी तुझे कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सर ये है लॉग टू द बेस ई, ये है लॉग टू द बेस 10, हमारा लॉग बुक लॉग टू द बेस 10 पे डिजाइन है। अगर क्वेश्चन लॉग समथिंग लॉग 300 टू द बेस ई आया तो हम लॉग बुक नहीं यूज कर सकते, हमको इस भाषा से इस भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल है, जैसे कि तू एमएम को मीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता है ना प्रॉब्लम्स करते टाइम, सेम हम इसको इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। बोल, इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमारे लिए कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, हम तब कन्वर्ट कर लेंगे। जब जरूरत आएगा तब सर बताएगा, सर सब बताएगा, जब जब कब कब क्या क्या बताना है मुझे सब पता है। सही समय पे मैं जब जब प्रॉब्लम्स लूंगा तब मैं सारी चीजों का जवाब दे दूंगा। ठीक है? ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, आगे डिस्कस ये है कि लॉग एच टू द बेस ई का दूसरा नाम इज लैन एक्स। ओके, और ये याद रख, लॉग एच टू द बेस ई का दूसरा नाम है लैन एक्स, ये याद रखूंगा। ओके, अब अभी तेरे मन में डाउट आएगा, मैं बताऊ क्या डाउट आएगा? सर हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया था सर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब तू पूछेगा, तेरे मन में डाउट आएगा, सर ये जो लॉग एक्स है इसका बेस क्या था, 10 था कि ई था? तेरे मन में डाउट आएगा, करेक्ट है? सर हमने जो फॉर्मूला किया था, 1 बाय x इसका फॉर्मूला लिखा था, ये इसका बेस ई है या इसका बेस 10 है? सर ये फॉर्मूला किसका था, है ना? ये फॉर्मूला बेस ई का था कि ये फॉर्मूला बेस 10 का था? बच्चा ये फॉर्मूला बेस ई का था, ओके, याद रख ये जो फॉर्मूला था वो बेस ई का था। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो मेरा बेस ई है, समझ जाना। इसका मतलब
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या मैं लैन एक्स लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर, डी बाई डी एक्स और लैन एक्स का भी 1/x है। ओके, तो log x टू द बेस, log x टू द बेस e लिख, नहीं तो d बाई डी एक्स ऑफ लैन एक्स लिख 1/x। तो फिर सर इसका डिफरेंशिएशन क्या, जब टाइम आएगा तब बताएगा, मुझे ज्यादा फिजिक्स में ये नहीं लगेगा, मुझे ज्यादा फिजिक्स में ये लगता है, इसीलिए मैंने ये बताया, मैं ये नहीं बताया तुझे। बोल, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या है लॉगरिथम? एक दुनिया है इसके लिए, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। ओके सर, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, तेरे मन में नेक्स्ट डाउट मैं बताता हूं। सर बेसिकली दो चीजें हैं, एक log x टू द बेस 10 है, एक log x टू द बेस e है। लॉग बुक log x टू द बेस 10 से डिजाइन किया है। log x टू द बेस e का दूसरा नाम है ln x, e है, e का वैल्यू क्या है, e रेस टू 1 का वैल्यू है 2.718। नेक्स्ट सर, log x टू द बेस e एंड ln x ये दोनों भाई भाई है, आप कुछ भी बुलाओ। ओके, ये था कॉन्सेप्ट, और मैं एक और तुझे फील दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोल, क्या इधर तक क्लियर है? क्या इधर तक क्लियर है? फील मैं पक्का दूंगा, अभी दूंगा, मैं तुझे दो फील दूंगा क्लास खत्म होने के पहले। ओके, अभी देख, अभी मैं तेरे को फील देता हूं। सर ये मैथ्स को कैसे इजी करता है? बड़े बड़े नंबर का पावर्स को खेलना है तो हम लॉग यूज करते हैं। मैं अब तुझे फील दे रहा हूं, सर ये कैसे यूज करते हैं? तो एक दो छोटा फील कि एग्जैक्टली क्या होता है, मैं रिपीट किया, लॉग बुक होता तो और बेहतरीन फील आता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे थोड़ा बहुत तो फील आ ही जाएगा। ठीक है, सी लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10 बोल रहा हूं। ओके, अब तेरे मेरा क्वेश्चन क्या, मैं बताता हूं, log x टू द बेस 10 या log x टू द बेस 10 नहीं बोलते, log x एक ही मिनट, मैं लेट मी डिजाइन, हाँ मैं बोलूंगा 1। ओके, मैं बोलता हूं 1, 10 रखो, बहुत बड़ा हो जाता है। log x टू द बेस 10 इज 1, देन फाइंड x, रियल मीनिंग तुझे पता चलेगा, अब रियल मीनिंग पता चल, फाइंड x। ओके, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आता है, टेंशन मत लेना, बट सब्जेक्ट क्लियर करना जरूरी है, एग्जाम में आएगा नहीं ये सब, मैथ्स में नहीं भी पता नहीं मुझे। ओके, log x टू द बेस 10 इज 1, सर x क्या है? ओके, रूल क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, इसको ऊपर लेके जा तो ये हो जाए, जैसा ही ये इधर गया log हो जाए गायब, ये रूल्स है, यही रूल्स है, जैसा ही ये ऊपर गया log उड़ा दे, अगर बेस इस घर में गया, हाँ बेस ये बेस है, जब बेस इस घर में गया तो बेस बन जाएगा पावर, और यहां का जो बेस है वो पावर हो जाएगा, समझा मैं क्या किया, और log चला जाएगा और x आएगा, तो x का वैल्यू क्या आया 10 है। और एक बार बताएगा, देखिए, और एक बार बताएगा, log x टू द बेस 10 इज 1, 10 को इधर लेके जा तो 10 जो बेस था अब ये पावर बन, अब ये इधर इस घर में आ गया, और 1 जो न्यूमरेटर में था अब वो पावर बन गया, 1 जो न्यूमरेटर में था अब वो पावर बन गया। बट रूल क्या है, जब तू शिफ्ट करेगा तो log को उड़ा देना, मैंने log को उड़ाया, x हो गया, तो x का वैल्यू 10 है। एक और फील देता हूं, अब तू ट्राई कर, फिर मैं ट्राई करूंगा, log x टू द बेस 10 इज 2, देन व्हाट इज x, तू ट्राई कर। सर ये तो बहुत सिंपल है सर, आंसर आ गया सर, बच्चे दबा के आंसर डाल रहे, एक नंबर आंसर डाल रहे बच्चे, धड़ आंसर आ रहा है मुझे, बहुत सही जा रहा है, 100 आ रहा है। अब तू समझ गया, ओहो हो हो, ये अब तू समझ गया, x होगा ये 10^2 होगा, ये 100 होगा, अब तुझे एहसास हो गया, ऐसा क्या मतलब, अब तेरे को फील देता हूं, मतलब सर क्या समझ में आया, एक और लेते, रुक, एक और लेते और फील देंगे, log x
to the base 10 is 3. Then x is what? X is what? X is what? सर थाउजेंड एक नंबर. अब तुझे एहसास होगा इसका मतलब क्या. सर इसका मतलब अब तुझे फील होगा, अब तुझे रियल फील आएगा. सर इसका मतलब ये हुआ कि वन से लेके टू लॉग का वैल्यू मतलब टेन और हंड्रेड के बीच में लाई करता है. अब तुझे एहसास हुआ अगर लॉग का वैल्यू टू से थ्री है तो आंसर हंड्रेड से थाउजेंड के बीच में होता है. करेक्ट है. तो क्या मैंने बड़े बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट किए? क्या मैंने बड़े बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट किए? किसका हेल्प लेके? लॉग का हेल्प लेके. अब तुझे फील आया वन टू टू का रेंज देखना. इधर देख, इधर लॉग वन है, इधर लॉग टू है. लॉग वन के लिए टेन था, लॉग टू के लिए हंड्रेड था. मतलब वन टू टू लॉग मतलब रियल में वो टेन और हंड्रेड के बीच में आंसर है. नेक्स्ट लॉग थ्री लिया, थ्री लेगा टू और थ्री, थ्री लेने पर थाउजेंड आया, थ्री लेने पर थाउजेंड आया. सो टू और थ्री लॉग यानी आंसर हंड्रेड और थाउजेंड के बीच में है. क्या मैंने बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ लॉग? बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ लॉग क्या तुझे अब रियली में फील आया? बोल बच्चा सच में फील आया कॉन्सेप्ट का कि अभी भी फील नहीं आ रहा है? हाँ, अब तेरे मन में क्या डाउट आएगा मैं बताता हूं. अब तेरे मन में क्या डाउट आएगा मैं बताता हूं. डाउट ये आएगा सर बीच में कौन सा तो नंबर रहा था, बीच में कोई तो नंबर रहा था. ध्यान से सुन, बीच में कोई नंबर रहा था लाइक 1.5, तो क्या करने का? बॉस लॉग बुक चाहिए. तू समझा? सर 1.5 रहा तो बॉस लॉग बुक चाहिए. अब ये स्टैंडर्ड केस है करके मुझे आएगा. अगर ये स्टैंडर्ड केस नहीं है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? लॉग बुक के हेल्प से वैल्यू निकालेंगे. तू समझा? लॉग बुक ही हेल्प करेगा ये वैल्यू निकालने के लिए. क्या अभी एक और फील देता हो? रुक जा, आई होप ये तुझे याद रहेगा. ओके, आई होप ये सारी चीजें तुझे, ये लॉग की दुनिया, ये लॉग की दुनिया. ओके, आई होप ये सारी चीजें तुझे याद रहेगा. तुझे कुछ कॉपी करना है तो मैं एक मिनट देता हूं क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है. तुझे कॉपी करना है तो कॉपी कर क्योंकि मुझे और बहुत कुछ लिखना है. कुछ गया दिमाग में कि कुछ नहीं गया? बच्चा बाउंसर गया क्या? बच्चा बाउंसर गया क्या? कैसा लग रहा है? फीलिंग क्या है? कैसा फीलिंग कैसा आ रहा है देखने पर? कुछ कुछ फील आया बच्चे के मन के अंदर? फीलिंग तो आया होगा, अच्छा वाला फीलिंग आया होगा समझने वाले. अब एक दो और फील दूंगा, एक दो और मैं फील दूंगा. ये सब चीजें मैं रब करूं बोर्ड, पहले मैं रब करूं बोर्ड, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखूंगा, बहुत गर्दी हुई है. मैं रब करूं बोर्ड, सारी चीजें याद रखा. सर इस एक बार सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट भूलना अलाउड नहीं है. एक बार कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ भूलना अलाउड नहीं है. ओके ओके, सर इज रबिंग द बोर्ड. ठीक है, अब हम क्या क्या जान पाए? सर व्हाट ऑल वी केम टू नो, अब तक हम क्या क्या जान पाए? ओहो, सर अभी थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रोथ हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हमको फील आ रहा है. मतलब लॉग एक्स टू द बेस 10 इसका वैल्यू क्या आएगा वो डिपेंड, मान लेगा अगर 1 आता तो जैसा मैंने बोला 1 आता तो एक्स 10 है. अभी मैं तेरा मजा लूंगा. मतलब लॉग एक्स टू द बेस 10 अगर ये 0 है तो एक्स क्या है? तो ये रटना है, ये सारी चीजें रटना है, ये बेसिक्स है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे. ये इधर जाएगा, ये एक्स रेस्ट टू जुड़ेगा, ये 1 बनेगा. ओके, तो तू समझ गया इसका मतलब क्या? कंक्लूजन, इसका मतलब लॉग 1 इज ऑलवेज 0. डू यू एग्री? नेक्स्ट लॉग 1 टू द बेस 10, डू यू एग्री? लॉग 10 टू द बेस 10 इज 1. करेक्ट. लॉग 10 टू द बेस 100 इज 2, एंड लॉग 10
log 10, log 1000 to the base 10, log is 3. Did you get me now? Zoom, zoom, zoom. बोल बच्चा, ये कॉन्सेप्ट है. अब कॉन्सेप्ट का फील आया नहीं आया? अब कॉन्सेप्ट का फील आया नहीं आया? अब बोल, सच में फील आया अच्छे से? अब कोई डाउट नहीं है दिमाग के अंदर? अब कोई डाउट है तो मैं लेता हूं, बोल.